75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहर में आधा दर्जन विश्वविद्यालयों के एनसीसी कैडेट ने जताई देशभक्ति की अलग। पॉलीथीन मुक्त हो भारत, इसको लेकर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लोगों को पॉलीथीन प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया, जिसके साथ सभी एनसीसी कैडेट की टोलियां अलग अलग स्थान में रवाना हुई। पहली टोली चित्रगुप्त महाविद्यालय से चलकर आरजी डिग्री कॉलेज पहुंची, दूसरी टोली रेलवे स्टेशन के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट लोगों को जागरूक करते हुए देशभक्ति के नारे लगाते हुए आरसी डिग्री कॉलेज पहुंचे। वहीं तीसरी टोली आरसी डिग्री कॉलेज से महाराज के किले से पैदल मार्च करती हुई नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए समापन स्थल पर पहुंचे। एनडी कॉलेज के एनसीसी कैडेट शहर में लोहिया पार्क से पैदल चलकर मार्च करती हुई आरसी कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंचे, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। समापन के मौके पर कमल किशोर ने बताया कि हम लोग 75वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको लेकर देशभक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना है। आज़ादी हम लोगों को कितनी मुसीबत और परेशानी के साथ मिली है, लोगों से अपील करता हूं कि पॉलीथीन का प्रयोग न करें, पॉलीथीन मुक्त भारत करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यालय के एनसीसी कैडेट को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। किस विद्यालय से आए हैं? एनडीसी कॉलेज भोगांव। प्रशांत जी, बताइए आज कार्यक्रम हुआ और जो आपको ये प्रमाण पत्र मिले हैं जी, क्या कार्यक्रम है और किस चीज़ के प्रमाण पत्र मिले हैं? आज ये जो कार्यक्रम था वो स्वच्छता के ऊपर था और स्वतंत्रता के ऊपर। हमारा जो देश है, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी के ऊपर ये प्रोग्राम था। हमारा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस जो के रूप में ये मना रहा है, तो इसी को देखते हुए यह कार्यक्रम रखा गया। प्रमाण पत्र जो आप लोगों को मिले हैं, किस चीज के प्रमाण पत्र? ये इसी के प्रमाण पत्र हैं जो हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं। शाह जी, जो मैनपुरी में जो प्रोग्राम हुआ है, ये एनसीसी के कैंडिडेट का क्या है ये पूरा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम जो है, जिस तरह से आपको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त से हम हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में एंटर करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ये आज का जो दिन है 13 अप्रैल जो कि आपको ज्ञात होगा कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जहाँ से हमारी देश की आज़ादी के लिए एक नई ऊर्जा जगी थी, तो आज का दिन ये सेलेक्ट किया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली, किन किन लोगों ने आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, हमारी जो जनता है उनको अवेयर करने के लिए एनसी कैडेट्स द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था। और साथ ही से नो टू प्लास्टिक्स, एनसीसी सेज नो टू प्लास्टिक, बिकॉज स्वच्छ भारत का आपको मालूम होगा ये तकरीबन पिछले 6-7 वर्ष से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो स्वच्छता के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंस लोगों को बताने के लिए इन दो बेसिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये आज का एक अवेयरनेस प्रोग्राम निकाला गया था। इस प्रोग्राम के तहत 5 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया जो मैनपुरी के आसपास के ही थे, और अलग अलग रूट्स में इनको टास्क दिया गया था कि देशभक्ति के गाने, जलियांवाला बाग के ऊपर टॉक, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, और स्वच्छता के ऊपर, प्लास्टिक्स के ऊपर लोगों को जागरूक करना। ये सारा प्रोग्राम अलग अलग रूट से बच्चों ने 7:00 बजे शुरू किया और यहाँ पे आरसी महिला कॉलेज में इसको सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हुए और यहाँ पे इसकी समाप्ति हुई। कितने बच्चों के सर्टिफिकेट वगैरह? इस पूरे प्रोग्राम में 325 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी 325 बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसको ध्यान में रखते हुए इनको ये सर्टिफिकेट्स दिए गए, और उससे पहले इनको रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी दी गई थी। ये कार्यक्रम मैनपुरी में हुआ है, अन्य पूरे देश में? ये कार्यक्रम सभी देशों में हुआ है और एनसीसी के जो डायरेक्टरेट्स हैं उनको ये जिम्मेवारियाँ दी गई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में 4 जगह पे ये स्पेशल प्रोग्राम किया गया है, जो हमारी यूपी डायरेक्टरेट है उसमें मैनपुरी एक ऐसा शहर है जिसको सेलेक्ट किया गया था आगरा ग्रुप हेडक्वार्टर के तहत, क्योंकि मैनपुरी का एक इतिहास है, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैनपुरी को इसमें चूज़ किया गया है। कोई खास संदेश जो देना चाहें आप? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने पीछे जो हमें स्वतंत्रता मिली है, क्या क्या कुर्बानियाँ हमने दी हैं, कितनी मुश्किलों से देश गुजरा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि हमारा देश जो है, आज अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उन कुर्बानियों को याद करें
और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे देश की आन बान और शान के ऊपर कोई किसी तरह का धब्बा लगे। हमारे देश को और ऊंचा उठाने के लिए, विश्व पटल पे और ऊपर ले जाने के लिए हर एक इंसान को ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। एक खुशहाल राष्ट्र ही है जो हमारे पूर्वजों ने जिसका सपना लिया था, और उसी को ही आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है और हमें उस काम को बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं कर्नल कमल किशोर हूँ, कमांडिंग ऑफिसर 3 UP बटालियन NCC मैनपुरी।